आज हम लोग प्रिया के साथ आ गए इंदौर, है बहुत क्लीन सिटी ना। और हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल है ना, तो उसी सामने है उत्तम भोग, तो वहाँ के पोहे बहुत प्रसिद्ध है। तो सुना था कि इंदौर में पोहा बहुत अच्छे मिलते हैं, सुबह नाश्ते में यहाँ लोग पोहा ही खाना पसंद करते हैं, तो आज हम भी टेस्ट करते हैं यहाँ का फेमस पोहा ना, है ना। ये है इंदौरी पोहा, जो इंदौर शहर वालों का नाश्ते का फेवरेट है, नाश्ते का है। और पोहा तो हर जगह अलग अलग के हिसाब से लोग बना लेते हैं, जैसा शहर रहता है वैसे अपना स्वाद चेंज कर लेते हैं। तो जैसे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्टीम करके इसके ऊपर तड़का लगाया जाता है, राई का, सौंफ का, नीम के पत्ते का, तो इसके ऊपर ये इन्होंने सेव डाली है, मसाला डाला है। यहाँ के लोग बहुत तीखा खाते हैं, खड़ी पत्ता है, इंदौर का फेमस पोहा उत्तम भोग में। और ये क्या है, ये आलू वड़ा, आलू वड़ा पाव हो गया, आलू वड़ा है। बहुत सारी वैरायटी है, और क्या ये उसमें डाल देंगे नहीं, अभी बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी है इनके पास भैया, और इनकी खुद की दाल मूट है ना, देखो क्योंकि इंदौर की दाल मूट भी बहुत फेमस है, सुपर नमकीन है, नमकीन बहुत फेमस है। ये खुद बनाते हैं, कुछ भी मार्केट का नहीं लाते हैं, इनका खुद का कारखाना है उत्तम भोग का, है ना। तो ये देखिए जैसे कि लिखा है उज्जैनी सेव, रतलामी सेव, लौंग सेव, लहसुनी सेव, और ये बॉम्बे भेल। अच्छा, कुछ डालना नहीं, पग्गी मारा नींबू डालना खावा है, क्यों बॉम्बे भेल है। और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं, तो ये सारी वैरायटीज हैं नमकीन की। वैसे इंदौर शहर के साफ सुथरा बहुत है ना, 7th time अवार्ड मिलेगा अभी, 6 बार तो मिल चुका है, और पानी पर तो मिलेगा नहीं, क्यों अभी वहाँ पे नहीं, हमारे बच्चों को भी मिल जाता है अवार्ड इंदौर की तरह। नहीं, ये रसमलाई है, ये रसगुल्ले हैं, ये राजभोग है, ये मूंग का हलवा है, ये गाजर का हलवा है, ये काला जाम है, ये गुलाब जामुन है, और ये जानल गुलाब जामुन है ना। और दिखाते हैं जिसको जो खाना होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पेठा है, वो अंगूरी पेठा, ये सारी चमचम की वैरायटीज हैं, ये बंगाली, इनका काउंटर अलग है, बंगाली रबड़ी, उसके बाद देसी घी की मिठाइयाँ हैं, फिर बंगाली स्वीट। ये क्या है, ये सर मलाई डोडा, मलाई डोडा, गेहूँ के आटे से, इसको थोड़ा बर्फी भी करते हैं, एक ये मलाई डोडा और एक ड्राई फ्रूट डोडा, दो तरह की बनती है। और ये जो है ये सर मैंगो मलाई बर्फी है। अच्छा, मैंगो मलाई जी, बारह मास बनाते हो, ये मैंगो पल्प से बनती है, ये सर खांड भी है, अच्छा ढोकला तो बहुत खाया होगा, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत गंदा है, तो मुझे जवान नहीं चलानी पड़ रही, क्यों अपने आप भूल रहा है। ये क्या सुबह सुबह इंदौरी नाश्ते में ये कहते ज़्यादा पोहा ढोकला खमन कचौरी जलेबी खमन खाते, क्या रेट है ये, 300 रुपये पर के जी, खांडवी और खमन भी, खमन भी दोनों सेम रहे। ये सारी ड्राई फ्रूट्स की मिठाई, ड्राई फ्रूट की मिठाई है जी, तो अच्छा तो ये 350 रुपये के जी है, बिना जैन जी आपकी दुकान कब से है, ये 1999 से, 1999 से उत्तम भोग ब्रांड 1999 से, जैन जी 60 साल, अच्छा और भी ब्रांड चाहिए, हाँ टोटल 11 कब से काम कर रहे हैं, मैं तो ऐसे 4-5 साल, तो कैसे आपका मतलब कब से पुराना है काम, 60 ईयर्स, JMB, हाँ JMB 60 ईयर्स, जैन मिष्ठान भंडार, तो ये 60 साल से है आपका, तो अच्छा आप कब से कर रहे हो, मेरे को 4 साल, आप कौन सी जनरेशन है, मैं फोर्थ जनरेशन, तो ये इनका बहुत ही पुराना काम है, JMB से इंदौर में इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, उत्तम भोग इनका है ये, जो कि बॉम्बे रोड पे पड़ता है, बहुत ही बढ़िया मिठाई, बॉम्बे हॉस्पिटल ठीक सामने, हाँ जी बिल्कुल सामने, तो जैसे आप बनाना सीखो अभी तक नहीं सीखो, नॉलेज है बनाना, शादी हो गई, बना बना के खिलाया करो, क्यों सभी लोग खुश हो जाएंगे, तो ये जैन साहब भाई हैं जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया, हो सकता है कि 2-4 साल बढ़िया सा सेफ भी बन जाएंगे, धीरे धीरे आइडिया लगेगा। ये क्या भैया, शाखे
नमक पारे नहीं, नमक पारा नहीं होता, इसको साठे बोलते हैं लोग। ये सब आपका सब मैदे का डिश, ये सारा बेकरी आइटम, ये बेकरी आइटम, तो ये भी खुद बनाते हैं? नहीं, ये बनाते हैं, काफी सालों से ले रहे हैं, 11 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो भी नमकीन सारी आप खुद बनाते हैं? नमकीन। अच्छा, ये आप कौन से ऑयल के अंदर बनाते हैं? ग्राउंडेड ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे जो सारी नमकीने हैं वो प्रॉपर मूंगफली के तेल में बनाई जाती है, तो ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि पाम ऑयल को रिप्लेस करके यहाँ पे मूंगफली के तेल में प्रॉपर सारी नमकीने बनाई जाती है। तो पर के जी आप क्या प्राइस देते हैं? 240 सारी वराइटीज। हाँ, 240 से स्टार्टिंग। ओके। अच्छा, ये बहुत साफ सुथरा शहर है ना, इसको नेशनल अवार्ड भी मिले ना? इंडिया का सबसे साफ शहर है। आज ही मुझे पता चला, क्योंकि अभी हम उस पे डाला था तो लगा कि रिसर्च किया तो लगा कि इंडिया का सबसे साफ सफाई में सबसे। सर 5 बार लगातार रैंक। हाँ, छठवीं बार। अब जैसे यहाँ लोग केला खा के ऐसे छिटका बहाने फेंक रही है, तो अगर थूक भी दिया सब शॉप्स के बाहर भी बहुत क्लीन है। यहाँ सब एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा। अच्छा, भीड़ सीख रहे लोग है ना? पहले सर क्या करते थे, बाइक पे पानी पी रहे हैं, पानी पाउच ये तो सड़क पे फेंक देता, वो रखे रहेंगे डस्टबिन आएगी नहीं। हमारे उधर पहले क्या करते थे लोग, केला खाया और छिलका डाल दिया, दूसरा जीतता था तो उनको बड़ा मजा आता। पिछले 5-7 साल से बहुत सुधार हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलिए, बहुत अच्छा शहर भी है और यहाँ का पोहा भी है। भैया और किसी दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, कहीं और दिखाते हैं इंदौर में क्या क्या मिलता है। जल्दी हम आपसे रूबरू होते हैं। कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे आप मिलेंगे, इंस्टा पे मिलेंगे, फेसबुक पेज पे मिलेंगे। उत्तम भोग इंदौरी पोहा बॉम्बे हाथ पर ठीक सामने इनकी शॉप है। और कभी अगर खाओ या ना खाओ, लेकिन विजिट एक बार जरूर लगाना शाम को, हो सकता है तुम्हारा भी नंबर आ जाए टोकन में।